Hello dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the NCERT question answer of chapter 4th, sorting materials into groups for class 6. Our first question is, name 5 objects which can be made from wood. 5 objects ke name batane hain jo wood se milke bante hain. Answer: 5 objects which can be made from wood are: first door, second window, third table, fourth chair, fifth boat. Next question: select those objects from the following which shine: glass bowl, plastic toy, steel spoon, cotton shirts. Answer is: from the giving objects, glass bowl and steel spoon are shiny objects, which also called lustrous material. जो objects दिए गए हैं उनमें से glass bowl और steel spoon जो है वो shiny objects हैं, जिनको lustrous material भी बोलते हैं. Question number 3. Match the items given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. ये matching है, objects और material दिए गए हैं, matching करनी है. The correct table is shown as below. Objects: book, उसका material है paper. Tumbler, उसका material है glass and plastic. Chair, chair का material wood and plastic. Toy का जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक एंड वुड. शूज का मटेरियल है लेदर. राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक. स्टोन ट्रांसपेरेंट है जबकि ग्लास के ओपेक है. आंसर हमारा क्या है? फॉल्स. ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, व्हाइल स्टोन इज ओपेक बिकॉज इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इससे लाइट क्या है, पास होती है, लेकिन स्टोन में से लाइट पास नहीं होती, इसलिए वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी है, ए नोटबुक हैज लस्टरस व्हाइल इरेजर डज नॉट. इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स है. नोटबुक एंड इरेजर डू नॉट हैव एनी लस्टर बिकॉज दे आर नॉट मेटल्स. नोटबुक और इरेजर लस्टर नहीं है, चमकते नहीं है, क्योंकि वे मेटल्स नहीं है. अवर थर्ड स्टेटमेंट इज, चौक डिजोल्व इन वॉटर. चौक वॉटर के अंदर डिजोल्व होते हैं. हमारा आंसर है फॉल्स. चौक इज इनसोल्यूबल इन वॉटर. चौक जो है वो वॉटर में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए वो क्या है, इनसोल्यूबल है. डी, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वॉटर. वुड का जो पीस है वो वॉटर के ऊपर फ्लो होता है, फ्लोट होता है, तैरता है. आंसर जो हमारा है वो है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर. शुगर वॉटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती. ये आंसर इसका है फॉल्स. शुगर इज सोल्यूबल इन वॉटर. हम सब जानते हैं शुगर वॉटर में घुल जाती है, यानी कि सोल्यूबल होती है. नेक्स्ट, ऑयल मिक्सिस विद वॉटर. ऑयल वॉटर के साथ मिक्स हो जाता है. इस स्टेटमेंट का आंसर भी क्या है? फॉल्स. ऑयल डज नॉट मिक्स विद वॉटर. इन फैक्ट इट फ्लोट्स ऑन वॉटर. ऑयल वॉटर के साथ मिक्स नहीं होता, बल्कि वो उसके ऊपर तैरने लगता है. नेक्स्ट, सैंड सेटल डाउन इन वॉटर. सैंड वॉटर के नीचे सेटल डाउन हो जाती है. आंसर हमारा जो है वो है ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विनेगर डिजोल्व इन वॉटर. विनेगर वॉटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है. ये आंसर भी हमारा क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स. कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स के नेम दिए गए हैं, जैसे वॉटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिचर.
ग्रुप देम एज, उनको ग्रुप में बांटना है. फर्स्ट राउंड शेप एंड अदर शेप्स, सेकंड इटेबल एंड नॉन इटेबल्स. फर्स्टली हम उनको राउंड शेप और अदर शेप में बांटेंगे. ए, ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जिनकी शेप सर्कल जैसी होती है उनको राउंड शेप बोलते हैं. राउंड शेप में जो है वो है बास्केटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब, अर्थन पिचर. और जो अदर शेप्स में है वो है वाटर एंड शुगर. नेक्स्ट बी, द सब्सटेंस विच कैन बी ईट आर नोन एज इटेबल, अदरवाइज इट इज नोन एज नॉन इटेबल. जो चीजें हम खा सकते हैं उनको इटेबल बोलते हैं और जिनको नहीं खाते उनको नॉन इटेबल बोलते हैं. इनमें से जो इटेबल हैं वो हैं वाटर, ऑरेंज, एप्पल, शुगर. और जो नॉन इटेबल हैं वो हैं बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिंचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और एन क्रॉसिंग. आंसर जो है फर्स्ट में, लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर, फर्स्ट वुड, सेकंड वैक्स, थर्ड थर्माकोल, फोर्थ ऑयल, फिफ्थ आइस, सिक्स्थ प्लास्टिक. बी जो है, लिस्ट ऑफ आइटम दैट फ्लोट ऑन ऑयल और क्रॉसिंग, जो ऑयल और क्रॉसिंग पे फ्लोट होता है वो है फर्स्ट वुड, सेकंड पेपर, थर्ड वैक्स, फोर्थ प्लास्टिक, फिफ्थ थर्माकोल. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग. हमें ओड वन ढूंढना है जो नीचे दिए गए हैं. ए में है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड. इनमें से ओड वन जो है वो है बेबी. बेबी जो है वो ओड वन है क्योंकि ऑल अदर्स जो चीजें हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. बी, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस. इनमें से बोट जो है वो ओड वन आइट है. ऑल अदर्स जो है वो फ्लावर्स हैं. सी, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. इनमें से सैंड जो है वो ओड वन आउट है. ऑल अदर्स आर मेटल्स है. नेक्स्ट, शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट. इनमें से सैंड जो है वो ओड वन आउट है. ऑल अदर आर सोल्यूबल वाटर है. ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की सॉल्यूशन देखने के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और चैनल का नाम है जीनियस टीचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.